आगरा के कस्बा बरहन के व्यापारियों ने व्यापार मंडल के साथ एसडीएम एतमादपुर से अवैध रूप से चल रही बाजार को बंद करने की मांग की। बरहन में साप्ताहिक बंदी के दिन अवैध रूप से बाहर के लोगों के द्वारा बाजार चलाया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय व्यापारियों में रोष व्याप्त हो गया। दरअसल बरहन कस्बे के व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रियकांत सिसोदिया के साथ दर्जन भर व्यापारी पहले बरहन थाना पहुंचे, जहाँ उन्होंने अवैध बाजार की शिकायत की, जिस पर थाना अध्यक्ष द्वारा उप अधिकारी से इस मामले की शिकायत करने के बाद उसके बाद सभी व्यापारी और व्यापार मंडल के लोग एतमादपुर एसडीएम विकास गुप्ता से मिले और अवैध बाजार में वसूली और बाजार को बंद कराने की मांग को लेकर शिकायत पत्र सौंपा, जिसमें एसडीएम एतमादपुर विकास गुप्ता ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन व्यापारियों को दिया है। तो वहीं व्यापारियों का कहना है कि अगर अवैध बाजार बंद नहीं होता है तो वह इसको लेकर जिलाधिकारी आगरा से शिकायत करेंगे। इस दौरान व्यापारियों में वीरेंद्र कुमार जैन, मनोज त्यागी, राजू शर्मा, नूना प्रभात जैन, देवेंद्र मणिकांत त्यागी, नवीन जैन आदि व्यापारी उपस्थित रहे। बरहन में अवैध बाजार लग रहा है और इसकी नींव अभी प्रधानी काल जो निकल के गया है उस प्रधानी काल के वजह से शुरुआत हुई है, तो लोग उनसे जुड़ जाएं और उनका जो दो फायदे रहे, एक तो लोगों को जोड़ना रहा, दूसरा अवैध वसूली उन्होंने करके शाम को पीने पाने का भी सिस्टम उनका बन जाता है। इस वजह से ये मार्केट में आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इतनी भीड़ रहती है, एक तरफ तो हमें ये बताया गया है कि दुकान पर मास्क लगा के रहें और दो गज की दूरी पर व्यापारियों ग्राहकों को सौदा दें, और दूसरी तरफ वहाँ एक दूसरे से सट के सभी लोग सौदा खरीद रहे हैं। कोरोना फैलने का इतना डर है, बीच में एक बार एक व्यक्ति को भी कोरोना बरहन में हो भी चुका है, और इससे फिरोजाबाद और ये बाहर से जितने भी दुकानदार आ रहे हैं, अभी डेंगू बुखार भी चालू हो गया है। पूर्णबंदी तो क्या की मांग है? हम यही चाहते हैं कि इस तरह का बाजार बिल्कुल नहीं लगे। इससे एसडीएम साहब ने कहा कि एसडीएम साहब ने अभी यही कहा है कि मैं जाँच कराता हूँ, कोई विशेष आश्वासन उन्होंने भी नहीं दिया है, मना भी नहीं किया है, तो ये भी नहीं कहा है कि कल से मैं बंद कर। समस्या तो सर बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ समय से पहले ऐसा कोई अवैध बाजार बरहन में नहीं लगता था। कुछ चंद लोगों ने जो अपनी पर्सनल जो है खुन्नस के चक्कर में व्यापारियों से पर्सनल खुन्नस के चक्कर में उन्होंने ये अवैध बाजार लगवाना स्टार्ट कर दिया है। उससे एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में वैसे ही सारे लोग परेशान हैं और वो लोग रोड के दोनों साइड से कवर कर लेते हैं, वहाँ से निकलने के लिए किसी का रास्ता ही नहीं है, बहुत भीड़ होती है और महामारी के टाइम पे ये नहीं होना चाहिए और ऐसा कोई आदेश भी नहीं है। हाँ, अवैध वसूली की भी बहुत शिकायत है, कुछ लोग बताते भी हैं कि यहाँ पे कुछ लोग जो चंद लोग मार्ग जो बाजार लगवाते हैं, जो अवैध बाजार लगवाते हैं, वो इन लोगों से वसूली भी करते हैं, कोई 100 रुपये, कोई 150 रुपये, कोई 200 रुपये फड़ के हिसाब से। आप क्या चाहते हैं, आपकी मांग? नहीं, हम चाहते हैं कि पहली बात कि एक तो ये शनिवार बाजार जो एक बार डीएम साहब का आदेश भी हुआ था शनिवार बंदी का, तो वो पूर्णतया से लागू होने चाहिए और ये अवैध बाजार बिल्कुल भी कस्बा बरहन में लगना नहीं चाहिए, क्योंकि कस्बा बरहन एक वैसे भी छोटा बाजार है। अगर ये अवैध बाजार लगाएंगे जो बाहर के लोग हैं, इसमें बरहन कस्बा का कोई लोग नहीं है, बरहन कस्बा का एक भी दुकानदार नहीं है जो वहाँ पे जाके फड़ लगाता हो। ये जितने भी लोग हैं जो सब बाहर से आए हुए, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते, कोई फिरोजाबाद से, कोई सैपऊ से, कोई हाथरस से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आके बरहन में जो अवैध बाजार लगा रहे हैं। उससे दिक्कत ये है कि जो बरहन के लोकलिटी के दुकानदार हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, वो बेचारे खत्म हो जाएंगे। ठीक, सिसोदिया व्यापार मंडल अध्यक्ष बरहन। क्या समस्या है, इसको लेकर आप एसडीएम से मिले हैं? एसडीएम महोदय से मिले, हमारे यहाँ पे बरहन में जो फड़ वाला बाजार है वो पहले कभी नहीं लगता था। कुछ चंद लोगों ने कोरोना काल से पहले और वहाँ पर बाजार लगवाना शुरू कर दिया, जबकि डीएम साहब का आदेश था शनिवार को एतमादपुर, बरहन और खंडौली, ये तीनों जगह साप्ताहिक बंदी में आते थे। साप्ताहिक बंदी दुकानदारों ने आपसी सहमत बनाई और वहाँ पर साप्ताहिक बंदी करना शुरू कर दिया। कुछ फिलहाल क्या शिकायत है आपकी? फिलहाल शिकायत ये है कि वहाँ पे वो बाज़ार नहीं लगना चाहिए, दुकानदार चाहते हैं कि वो बाज़ार नहीं लगे, छोटा बाज़ार है और वो बाज़ार ख़त्म हो जाएगा अगर ऐसी स्थिति पैदा रही बाज़ार में।
बाजार खत्म हो जाएगा। समस्या क्या आ रही है उस बाजार के लगने से? समस्या ये है कि एक तो जगह बहुत ना के बराबर तो जगह है, एक रोड है और उस रोड से वो मेन रास्ता है निकलने के लिए, वहाँ पे निकलने वाले लोगों को उससे बहुत दिक्कत है और दिक्कत के साथ साथ वहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। एक तो कोरोना काल चल रहा है, इस महामारी में हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, और सुरक्षित रखने की अगर कोई कुछ अवैध वसूली की शिकायतें भी हैं, कुछ दुकानदारों की मेरे पास शिकायतें आई कि वहाँ पे कुछ लोग जो चंद लोग हैं और वो लोग उन दुकानदारों से कुछ पैसे लेते हैं। कितने रुपए तक की लेनी शिकायत है? अब मेरे पास तो बता रहे थे 100 रुपए खड़ के हिसाब से कुछ करीब ऐसे लोग हैं। कितने लोग बाहर के ऐसे आते हैं जो बाजार लगाते हैं? कितने लोग मान के चलो 100 लोग के समथिंग ऐसी 100 दुकानें हैं जो वहाँ पे फल लग रही हैं। एसडीएम साहब ने अभी कहा क्या आपसे? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि जो उसमें जांच करके जो सही होगा उसे कार्रवाई कराएंगे। ठीक। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।